गाइस यदि आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन में मेन चैप्टर आता है कि आपके जो वीडियो फुटेजेस हैं वो बिल्कुल स्टेबल होने चाहिए। और वीडियो फुटेज को स्टेबल होने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा गिम्बल। यदि आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल गिम्बल, और यदि आप कैमरे से करते हैं तो कैमरे का गिम्बल। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गिम्बल की जो कि बजट फ्रेंडली है, क्योंकि जब आदमी नया कंटेंट क्रिएशन करता है उसको फर्स्ट गिम्बल लेना होता है तो वो सबसे पहले देखता है कि यार बजट में कौन सा गिम्बल मेरे लिए बेटर है। तो आज डिजिटेक ने हमें भेजा है 3-एक्सिस फोल्डेबल स्मार्टफोन गिम्बल, जिसका मॉडल नंबर है DSG002। ये है कि ये लो एंगल शूट कर सकता है, आप इसे पावर बैंक से चार्जिंग करते हुए यूज कर सकता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फेस ट्रैकिंग व्हेन वीडियो टेकिंग वीडियो, जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन भी आता है। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो गाइस इस तरीके से आप अनबॉक्स करेंगे और सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा गिम्बल है, और गिम्बल बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा सा है, यानी कि आप इसको पॉकेट में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके एक लाइट भी आपको मिलती है। जी हाँ, अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं और आपके फेस पे लाइट कम पड़ रही है तो ये एक फील लाइट इसके साथ आती है जो कि काफी अच्छी है। और ये फील लाइट आपको सिंपली, अगर मैं गिम्बल को यूज करना चाहूंगा, ये मैग्नेटिक फील लाइट है, यहाँ पे अटैच जाती है और इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सपोज ये देखिए यहाँ से लग जाती है, इस तरीके से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ करने का तरीका बहुत ईजी है, यहाँ पे एक पावर का बटन है, इसको मैं इस तरीके से प्रेस करके रखूंगा तो मेरी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है ये एक स्टैंड, ये है इसका ट्राइपॉड जिसे आप इस तरीके से इसमें फिट करते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा और क्या है, तो जी हाँ, इसके अलावा एक चार्जिंग केबल मिल जाता है, यानी कि आज के डेट में सबसे ज्यादा चार्जिंग होती है सी पोर्ट से, तो इसमें आपको सी पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे ये सी पोर्ट है जिसमें से आप इस गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। तो आइए इसको एक बार फटाफट इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद फिर आगे का अपडेट देखते हैं। तो गाइस सिंपल है, इसमें आप अपना मोबाइल कैसे यूज करेंगे, तो जस्ट इसमें यहाँ पे ये एक इंडिकेटर दिया हुआ है कि मोबाइल को किस डायरेक्शन पे लगाना है। मैं सिंपली अपने मोबाइल को यहाँ से इसमें लगा देता हूँ। लगाने के लिए कोई भी बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसमें अपने मोबाइल को इस तरीके से, तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने मोबाइल को इसमें फिट कर देते हैं। एंड आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बैलेंस करने के लिए आपको मोबाइल को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इसका ऑन ऑफ का स्विच है, तो जैसे ही मैं यहाँ से ऑन ऑफ के स्विच को एक बार टैप करके रखता हूँ लॉन्ग प्रेस करके, तो मेरा जो गिम्बल है वो एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गिम्बल मेरा जो है वो चालू हो गया है, ये देखिए। तो अभी गिम्बल बिल्कुल रेडी है। एंड यहाँ पे इसको मैं इस जॉयस्टिक के माध्यम से डाउन या फिर अप कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से पैन कर सकता हूँ, इस तरीके से आपको इधर पैन कर सकता हूँ, और ये सब होता है जॉयस्टिक के हेल्प से। तो यहाँ पे इसमें जॉयस्टिक दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मोड का ऑप्शन है। तो ये मोड बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर मैं एक टैप करूंगा तो इसका पैन फॉलो मोड ऑन हो जाता है, यानी कि ये पैन फॉलो करेगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये नीचे जा रहा है, फिर इस तरीके से जैसे कर रहा हूँ तो ये वापस से ऊपर आ रहा है ना, ये पैन फॉलो इस तरीके से सेट कर लेता है। एंड यहाँ पे देखिए ये पैन फॉलो मोड में आता है, इसको अगर मैं दो बार टैप करूंगा ये 1 और 2 तो ये लॉक मोड में चला जाता है, ठीक है। अब ये लॉक हो गया है, यानी कि ये किसी भी डायरेक्शन पे जैसे मैं इसको कितना भी घुमा लूं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं अगर इधर चाहता हूँ यहाँ पे इस तरीके से नीचे ऊपर जो भी करूंगा तो इसमें लॉक मोड होने के कारण ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आप इसको 3 टैप करते हैं इस मोड को 1, 2, 3 तो ये चला जाएगा फॉलो मोड में। अब यानी इधर मैं घुमाऊंगा या इधर घुमाऊंगा तो ये फॉलो मोड में चला जाएगा, ये इसका बेनिफिट है। और जैसे हम एक बड़े गिम्बल को यूज करते हैं, जिस तरीके से हम एक कैमरे वाले गिम्बल को यूज करते हैं, सेम सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर इसमें 4 टैप करूंगा 1, 2, 3, 4 तो ये POV मोड में चला जाएगा, यानी कि पैन फॉलो भी होगा, इधर पैन भी होगा, फॉलो भी होगा। एंड अगर मैं इस तरीके से टिल्ट करूंगा तो रोल भी होगा, आप चाहे तो इस तरीके से शॉट ले सकते हैं, अगर मैं चाहूं नीचे एंड ऊपर तो नीचे एंड ऊपर भी फॉलो करेगा। तो दोस्तों ये जो मोड है ना POV मोड जो इसको बोलते हैं, ये सबसे काम का मोड है जब आप इसमें कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तब ये बड़े काम का मोड इसमें मुझे मिला। तो ये 4 मोड इसमें है सिंपली, और इसका बेनिफिट ये है कि यदि टेली एंड वाइड का, तो टेली एंड वाइड का फीचर अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे आपको इसका एक एप्लीकेशन आता है जिसको बोलते हैं गिम्बल प्ले, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के बाद इस गिम्बल को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लूटूथ के माध्यम से। ये बड़ा सरल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली अपना ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। एंड मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपली आपको इस तरीके से अपने ब्लूटूथ को ऑन करना है। यहाँ से मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो DSG002 ये गिम्बल इसमें शो कर रहा है। सिंपली मुझे इसे टैप करना है, टैप करने के बाद पेयर करना है, पेयर जैसे ही होता है तो ये गिम्बल इसमें कनेक्टेड हो गया है। अब मुझे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपली मैं अपना गिम्बल प्ले का जो ऑप्शन है उसको ऑन करूंगा, और यहाँ पे
अब ये कनेक्टिंग हो गया, ब्लूटूथ डिसकनेक्टेड शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ से वीडियो का रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, 4K तक आप इसमें शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 4K जो है वो अटैच कर दिया है। यहाँ से मैं बैक कैमरा के बदले फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी चीजें हो रही है आपको दिखाई दे। एंड यहाँ से आप टाइम लैप्स या फिर वीडियो का ऑप्शन है। अब जैसे मैं वीडियो के ऑप्शन को ऑन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फेस डिटेक्शन का ऑप्शन आता है, जस्ट अ सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ पे अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, जैसे टाइम लैप्स है, वीडियो है, फोटो है। एंड इसके अलावा इसमें एक चीज अच्छा है, यदि आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो यहाँ पे फेस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर ह्यूमन बॉडी ट्रैकिंग का यदि कोई रन कर रहा है तो आप ह्यूमन बॉडी ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अगर मैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर दूं तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फ्रेम है, अगर मेरा ये फ्रेम मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया, ये फ्रेम जिस तरफ भी जाएगा ये उस फ्रेम को ट्रैक करेगा। एंड इसके अलावा यदि मैं चाहूं तो यहां से फेस ट्रैकिंग ऑन करता हूं तो अब देखिए आप, मैं इसमें गिम्बल में कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिधर जिधर मेरा फेस जाएगा इसको रिकॉर्ड करता हूं। सपोज मैं इस तरफ जा रहा हूं तो इस तरफ से फेस ट्रैकिंग के साथ साथ ये बिल्कुल वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो यदि आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं या आप मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं, आप रील्स बनाते हैं, आप सपोज आपने फेस ट्रैकिंग मोड को ऑन कर दिया है, तो ये सोच के देखिए कि कितना इजी हो जाता है। आप कहीं पर भी खड़े होकर डांस कर सकते हैं, किसी भी चीज का आप रिव्यू दे सकते हैं, अगर आपके बैक में कुछ है तो भी आप उसको बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करते हुए शो कर सकते हैं कि भाई ये क्या चीज है। तो दिस इज द गुड गिम्बल और ये बहुत ही अच्छे प्राइस में आता है, इसके जो इसकी जो प्राइसिंग है वो काफी अफोर्डेबल है। तो दोस्तों इतने सारे फीचर्स हैं। और हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट कम होती, मान लीजिए मैं आपको लाइट कम करके दिखाता हूँ, और इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं इस वाली लाइट को डिम करता हूँ, यानी लाइट आप कम कर दो, और यहाँ पे मैं गिम्बल में इसको अटैच कर देता हूँ। देखिए ये सिंपली मैं इसको इस तरीके से अटैच कर दूंगा। अब आप लाइट ऑफ उसको बंद कर दीजिए एक बार। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो लाइट है कितना हेल्प करती है, है ना। ये लाइट अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डार्कनेस है। मेरा ये वाला जो फेस है इसमें पूरा का पूरा डार्क दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यूज करता हूँ इस तरीके से, और अब आप देखिए कि मेरा जो फेस है वो काफी अच्छे से इसमें विजिबल हो रहा है। तो अब ये इतना फर्क डालता है जब आप इसमें लाइट यूज कर रहे होते हैं, तो आप अगर आपको एक फिल लाइट जैसा चीज चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो दोस्तों इतने सारे फीचर्स हैं इस गिम्बल में, और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग बहुत कम है, तकरीबन 5,000 से लेकर 6,000 के अंदर ही आ जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। एंड गाइस इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये लो एंगल को बहुत अच्छे सपोर्ट करता है। सपोज मुझे कोई लो एंगल शॉट लेना है तो मैं इस गिम्बल को सिंपली इस तरीके से अगर ले करके जाता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली लो एंगल में चला जाता है। और अब मैं अगर कोई शॉट लेना चाहूं तो लो एंगल में ऑटोमेटिक में जितने लो एंगल से लेना चाहूं बिल्कुल ग्राउंड लेवल का शॉट इससे ले सकता हूं। ये एक बहुत बढ़िया इसमें फीचर मुझे लगता है, क्योंकि जब आप शूट करते हैं तो बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल लो एंगल से शूट करना होता है। एंड गाइस इसके अलावा इसमें एक और फीचर है, जैसे अभी ये हमारे पास वर्टिकल मोड में है, अगर मैं इसमें पावर बटन को एक बार टैप करता हूं तो ये क्विकली हॉरिजॉन्टल मोड में आ जाता है। और आप यहां पे देख सकते हैं फेस ट्रैकिंग ऑन करने के बाद मैं जिस भी एंगल में हूं यहां पे रिकॉर्ड करता हूं, तो यहां से देखिए ये रिकॉर्ड मैंने किया हुआ है। अब अगर मैं इसको एक बार टैप करता हूं तो ये वर्टिकल में भी होता है, तो फ्रेम को बिल्कुल सेट कर लेता है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें फेस ट्रैकिंग मोड को ऑन किया, तो एक टैप पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और एक टैप पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, ये सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस इतने सारे क्वालिटीज के साथ ये गिम्बल आता है, और सबसे अच्छी बात मुझे इसका लगा ग्रिप। मैंने और भी बहुत सारे जो गिम्बल है वो यूज किया, लेकिन इसका जो ग्रिप है वो काफी अच्छा हैंडी है और आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यदि आप एक अच्छा गिम्बल खोज रहे हैं और वो भी बजट में, तो डिजिटेक का ये DSG-002 आपके लिए बहुत अच्छा गिम्बल हो सकता है। बाकी आप कौन सा गिम्बल यूज करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बजट प्राइस में इतने सारे फीचर्स के साथ और भी कोई गिम्बल आता होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।